पहले प्रश्न में कहा गया है कि एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया और शेष का 5% परिवहन पर। इसके बाद उसने 120 रुपये दान कर दिए। तदनुसार यदि उसके पास 1400 रुपये शेष बचे हों तो उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च कितना था, यानी उसके पास अगर 100 रुपये होते तो उसने कितना खर्च कर दिया, 20% यानी 20 रुपये वस्तु खरीदने पर खर्च कर दिए, यानी अब उसके पास बचे हैं 80 रुपये। ठीक है, अब कहा गया इसका 5% ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च कर दिया, यानी कि 4 रुपये ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च कर दिया। कहा गया इसके बाद उसने 120 रुपये दान कर दिए, 120 रुपये दान कर दिए। ध्यान दीजिएगा, आप कहें कि 100x रुपये थे तो 20x उसने खर्च कर दिए, 80x थे तो मतलब 80x बचे थे, 4x ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च कर दिए और 120 रुपये दान कर दिए। ठीक है, उसी में से 120 रुपये दान कर दिए और उसके पास अब कितने बचे, 1400 रुपये। तो हमारे पास 100x टोटल रुपए थे, हमने कुल खर्च कितने किए, 20x, 4x और 120, यानी कि 100x में से हमने निकाला कितना, 24x धन 120। ठीक है, इतना निकालने के बाद हमारे पास बच रहा है 1400 रुपये, यानी हम कह सकते हैं कि ये 100 माइनस 24 यानी कि 76x इज इक्वल टू 1520, यानी x इज इक्वल टू कितना हो गया, 20। एक्स इज इक्वल टू 20 हो गया। तो आपसे पूछा गया था उसने परिवहन पे कितना खर्च किया, आपने कहा था जी परिवहन पे 4x रुपये खर्च हो रहे हैं, तो x बराबर 20 तो 4x बराबर 80, तो आपका आंसर आ गया 80। अगला प्रश्न क्या है, कहा गया इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, वन ऑफ द कैंडिडेट्स सिक्योर 40% ऑफ द वोट्स एंड इज डिफीटेड बाय द अदर कैंडिडेट बाय 298 वोट्स, द टोटल नंबर वोट्स पोल्ड वाज, ठीक है पोल्ड इज, यहाँ पे वाज कर दीजिएगा, ठीक है वाज इज कुछ भी चलेगा लेकिन वाज ज़्यादा सही रहेगा। यानी एक चुनाव हुआ जिसमें 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 60%, क्योंकि बताया गया सारे वोट वैलिड थे। ये मान लेंगे हम, चूंकि दिया नहीं गया तो हम मान लेंगे कि सारे वोट वैलिड थे, अगर इनवैलिड होता तो वो दिया रहता। ठीक है, और कहा गया कि अन्य उम्मीदवार 298 मतों से चुनाव हार गया। एक चीज़ बताइए कितने वोट से हारा, आप कहेंगे जी 40% ये पाया 60% ये पाया, तो इनका अंतर कितना है, 20%, यानी 20% वोटों से चुनाव हारा और यही 20% दिया गया 298। आपको पता है 20% कितना होता है, 1/5 बराबर दिया गया 298, तो हमारे कुल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5×298 यानी 5×48 5×9 45 4×49 5×2 10 4 14, यानी 1490 कुल वोट थे। ठीक है, परसेंटेज का एक और क्वेश्चन हमने ले लिया, कहा गया एक संख्या में 22.5% की वृद्धि करने पे इट बिकम्स 98 द नंबर इज, कहा गया कि 22.5% की वृद्धि कर दी गई, यानी 100 थी तो बढ़ा के हमने कितना कर दिया 122.5, और 122.5 बराबर दिया गया 98, तो आपसे 100 पूछा गया, अगर 122.5 बराबर 98 तो 1225 बराबर 980, यानी 100 बराबर हो जाएगा 980/1225×100। ठीक है, 25 से काट दीजिए, 25 चौको 100 और 25 नवा ये 25 चौको 100 49 से कटेगा या 20 दे देगा, 20 चौको 80, यानी हमारी संख्या कितनी थी, 80। ठीक है, अगले प्रश्न पे आएँ, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कहा गया 2018 का स्क्वायर अपॉन 2017 का स्क्वायर प्लस 2019 का स्क्वायर माइनस 2। ध्यान दीजिएगा, अगर हम 2018 का होल स्क्वायर, तो 2018 का होल स्क्वायर ऐसे लिख लीजिए, अपान 2017 को लिख सकते हैं 2018 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, और प्लस 2019 के होल स्क्वायर को 2018 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं माइनस 2, यानी कि ये हो गया 2018 का होल स्क्वायर अपान, नीचे खोल दीजिए इसको, तो अगर इसको खोलेंगे ब्रेकेट को तो ये बनेगा ए स्क्, यहाँ पे देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे बन प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 times ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2018 का स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 और माइनस 2 यही बच रहा है, तो आपको पता है 2 प्लस में 2 माइनस में कट गया, यानी बचा 2018 का स्क्वायर बटे 2×2018 का स्क्वायर, 2018 के स्क्वायर से 2018 का स्क्वायर कट गया, यानी आपका आंसर आ गया 1/2। डन, अगला प्रश्न आपका सीजीएल मेंस का है, SICIC से है, कहा गया ये सम ऑफ RS 8400 अमाउंट्स टू RS इतना एट 8.75% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन सर्टेन टाइम। देखिए, अगर 11046 रुपये ब्याज मिलता है हमें, 11046 हमारी राशि हो जाती है 8400 की, तो ये SI कितना हो गया, आप कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा नेट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 11046 में से 8400 घटा देंगे यानी 2646।
रेट आपको दिया गया है कितना परसेंट, 8.75%, और आपको प्रिंसिपल दिया गया है कितना दिया गया है 8400। तो आप यहाँ से टाइम निकाल लीजिए, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 100 गुणे CI, CI कितना, SI कितना मिला है 2646, यानी 100 इंटू SI अपान P इंटू R, यानी 8400 इंटू 8.75। बस इतना सा आपको करना था, तो यहाँ से हमारा टाइम निकल जाएगा। तो टाइम निकालने के लिए 1020 1020 सात से काट देंगे, ये 12 दे देगा, 7 3 21 5 54 7 57 49 7 8 56, ठीक है। और ये 20 हटाया, वो 2 पॉइंट हटाया, 20 बढ़ा दिया, 12 से काट दीजिए, 12 3 36, 12 91 12 331 50 बटे 875 हो गया, यानी टाइम बराबर आपका हो गया। सीधे सीधे निकाल लीजिए, 25 से काटिए, 25 3 75 और 25 5 125, 25 से काटेंगे ये कितना दे देगा, 25 1 25 और ये बचेगा 65, 25 2 50 और ये 15 25 6 150, यानी कि 126। 7 से काट दीजिए, 7 5 35, 7 से काटेंगे, 7 1 7, 7 8 56, यानी 18/5 टाइम आ गया, 18/5 साल। अब आपको निकालना है कितने रुपये पे, 9600 रुपये पे साधारण ब्याज निकालना है, उतने समय उतनी दर से। तो आप कहेंगे जी 9600 मूलधन है, दर कितनी है, दर है 8.75%, यानी कि हम कह सकते हैं 17.5/2, यानी कि 35/4%, तो 4 नीचे चला जाएगा, 400 हो जाएगा, और गुणे समय कितना है 18/5, यानी 18 और नीचे 5 आ जाएगा, ठीक है। बस खत्म हो गया, तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, सॉल्व कर लीजिए। तो ये 1020 1020 2 0, 4 से कट के 24 दे दिया, 5 से कट के 7 दे दिया, 24 7 और गुणे 18 करेंगे, तो पहले 24 और 18 का गुणा कर लीजिए, तो 18 4 72 हाथ से लाएँ, 7 8 2 36, 7 43, 432 गुणे 7 कर देंगे, तो 7 2 14, 7 3 21 1 22, 7 4 28 2 30, यानी 3024 रुपये ब्याज मिल जाएंगे, ठीक है, 3024 रुपये ब्याज मिल जाएंगे, समझ आ गया ना। अच्छा ध्यान से देखिए, इसको एक मेथड से और कर सकते हैं शॉर्ट कट में, 8400 रुपये का कितना गुना है 9600, देखिए 8400 रुपये पे हमें ब्याज मिलता है कितने कितने रुपये, कितना मिल रहा था 2646 रुपये, ठीक है। अब आपसे पूछा गया 8400 का कितना गुना है 9600, तो आप कहेंगे कि अगर 8400 पे इतना मिलता है तो 9600 पे कितना मिलेगा, आप कहेंगे 2646/84 × 96, 4 से काट दीजिए 21, 4 से कट गया 24 हो गया, चार अब इस 21 से इसमें भाग करिए, तो 21 1 21, 5 54 21 2 42, 21 6 126, यानी 126 × 24, तो 3024 आ जाएगा, समझ में आ गया। देखिए चूंकि राशि सेम, मतलब राशि केवल अलग हुई है, बाकी रेट और टाइम सेम है, तो 8400 पे अगर इतना ब्याज मिलता है तो 9600 पे कितना मिलेगा, वो केवल मूलधन बैरी करने से ब्याज मतलब बदलेगा, यानी कि अगर 8400 था 2646 मिलता था, तो 9600 होने पे 3024 मिल जाएगा। कहा गया 2 men and 5 women कैन डू अ वर्क इन 12 days, यानी कि 2 आदमी और 5 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, 5 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी 5 पुरुष और 2 महिलाएं 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब कहा गया केवल 3 महिलाएं कितने दिन में करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब आप क्या काम करिए, अगर 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कुल कार्य 12 × 2 महिलाएं + 5 पुरुष का है, ठीक है, 2 पुरुष और 12 महिलाओं का है। और ऐसे अगर 5 महिलाएं और मतलब 5 men और 2 women 9 दिन में कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कुल कार्य 9 × 5 men + 2 women का है, यानी कि आपको कहेंगे कि एक बार कार्य इतना है, एक बार कार्य इतना है, और दोनों केस में समान कार्य हो रहा है, यानी कि 12 × 2 men + 5 women बराबर हो जाएगा 9 × 5 men + 2 women, यानी कि 24 men + 60 women इज इक्वल टू हो जाएगा 45 men + 18 women, यानी हम कह सकते हैं 21 women बराबर कितना हो जाएगा, ये 42 women, ठीक है। अब 21 men = 42 women हो गया, तो आप यहाँ से कह सकते हैं 1 man = 2 women, ठीक है, यानी 1 आदमी = 2 औरत, 1 आदमी 2 औरत के बराबर कार्य करता है। तो आपने कुल कार्य कितना माना था, 12 × 2 men + 5 women, 2 men मतलब 4 women, तो 4 5 9, यानी 108 women के बराबर टोटल कार्य था। और कहा गया 3 महिलाएं अगर करेंगी, तो 108 औरतों का काम है, 3 महिलाएं एक दिन कार्य कर रही हैं, तो कितने दिन लगेंगे, 36 दिन, काम खत्म हो गया। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए 36 का वर्गमूल 6, 250 और 6 256, इसका वर्गमूल 16, 16 और 1280 1296, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 1296 का 36, ठीक है, 36 और 540 इसका वर्गमूल निकल आया 36 हो गया, 540 और 36 576 उसका वर्गमूल 24, 24 और 46
4624 और 4624 का वर्गमूल 68, तो आपका आंसर आ गया 68। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया ए डज 1/5 ऑफ योर वर्क इन अ वीक, यानी कि ए जो है 1/5 हिस्सा कार्य का कितने दिन में करता है, 7 दिन में करता है, यानी पूरा कार्य 35 दिन में करता है। बी कहा गया कि फिनिशेज द सेम इन अ फोर्थ नाइट, यानी कि बी 15 दिन में कर देता है, पखवारा बोले तो 15 दिन होता है। कहा गया बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिन तक कार्य करता है, उसके बाद ए पूरा करता है, अतः वह उसे कितने दिन में पूरा कर देगा, ध्यान दीजिएगा। कहा गया बी स्टार्ट करता है, बी 1 दिन में कितना कार्य करता है, 1/15, 3 दिन अगर ये कार्य कर देगा तो 1/5 कार्य हो जाएगा, यानी रिमेनिंग कितना रहेगा, 4/5 कार्य। अब 4/5 कार्य को पूछा गया है कि अगर ये पूरा करें, कौन भाई साहब, ए भाई साहब, ए भाई साहब 35 दिन में पूरा कार्य करते हैं, यानी 1 दिन में 1/35 कार्य, तो 4/5 कार्य करने में 4/5 / 1/35, 5 × 35, 4 × 28 दिन लगने वाले, ठीक है। कहा गया है वॉकिंग एट 3 किलोमीटर पर आर पिंटू रीचेज इज स्कूल 5 मिनट्स लेट, यानी कि अगर दूरी उसके स्कूल की ए हो और कितनी स्पीड से जाता है, 3 स्पीड से जाता है, तो यूजुअल टाइम से कितना मिनट देर, मतलब देर से पहुंचता है, 5 मिनट, यानी कि इससे 1/12 घंटे ज़्यादा लेता है। और कहा गया अगर वो 4 की स्पीड से जाता है तो वो इससे 1/12 घंटे पहले पहुंच जाता है, मतलब कि 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो आपसे कहा गया डिस्टेंस निकालनी है। अब डिस्टेंस निकालनी है, यानी इन दोनों इक्वेशंस को घटा देंगे तो हो जाएगा 1/12 बराबर 1/12 / 1/12, यानी कि 1/6, यानी ए बराबर कितना आ गया, 2 किलोमीटर, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कहा क्या गया है कि ये मैन ड्राइविंग एट 3/4 ऑफ हिज ओरिजिनल स्पीड रीचेज हिज डेस्टिनेशन 20 मिनट्स लेटर देन यूजुअल टाइम, देन द यूजुअल टाइम इज, हम मान लेते टोटल डिस्टेंस ए थी और अगर वो 4x से जाता था तो उससे अब वो 20 मिनट ज़्यादा लेता है जब वो किससे जाता है, 3x से जाता है। अगर यूजुअल टाइम यूजुअल स्पीड के 3/4, यानी 4x स्पीड होती तो उसके 3x, मतलब उस 3x अब स्पीड हो गई और वो 20 मिनट ज़्यादा लेता है, यानी 1/3 घंटे ज़्यादा लेता है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/12x बराबर 1/3, यानी कि 3 × 12, यानी 1/4x बराबर हो जाएगा 1, और ये दूरी थी, ये चाल थी, यानी दूरी बटे चाल, तो यूजुअल टाइम आ गया 1 घंटे, 60 मिनट हो गया। कहा गया ये साइकिल डीलर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 26%, यानी मार्केट प्राइस के 9/10 पे बेच के उसको कितने परसेंट का कॉस्ट प्राइस पे फ़ायदा होता है, 126, यानी 100 होता तो 126 पे सीपी पे बेचा, ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, मार्केट प्राइस पे 10% छूट के बाद भी विक्रय मूल्य प्राप्त होगा और क्रय मूल्य पे 26% का लाभ प्राप्त करने के बाद भी विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। अब कहा गया व्हाट डज ही पे फॉर अ साइकिल हुज मार्केट प्राइस इज 840, यानी 840 रुपये अगर किसी वस्तु का क्या है अंकित मूल्य है तो वो साइकिल के लिए कितने रुपए का भुगतान करता है, ध्यान दीजिएगा। आपसे कहा गया मार्केट प्राइस है 840, यानी 840 × 9/10 बराबर आपका हो गया 126, ये काट दीजिए, 63/50 बचेगा, 63/50 सीपी। अब यहाँ से आप सीपी निकाल लीजिए, 9 × 63, 7 से कटेगा 120, 120 से कटेगा 12, और 12 × 50, यानी कि सीपी बराबर हो गया 600, यानी 600 रुपये वो अंकित करेगा, तो उसको मतलब 600 रुपये उसका क्रय मूल्य होगा, तो अगर उस पर 26% लाभ दे के कमाए या 840 रुपये का अंकित मूल्य हो तो 10% का नुकसान अगर मतलब छूट दे दे तो बराबर क्रय विक्रय मूल्य होगा, समझ आ रहे हैं। यानी 840 रुपये अंकित मूल्य वाली साइकिल पे अगर 10% की छूट देगा और उसके बाद भी 26% कमाना है तो उसका क्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 600 रुपये। कहा गया है कि आपको दिया गया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 11, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 133, तो यहाँ से एक्स वाई जेड अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना होता है, एक्स वाई जेड बराबर सॉरी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स क्या हो जाता है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, इसका घटा देंगे इसमें से अंतर ले लेंगे, 2 कर देंगे, यानी ये हो गया -6। आपको पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2 बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होता है, तो हमने एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स निकाल लिया। हमें पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि 11 × x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 133 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यानी कि माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, जिसकी वैल्यू है -6, यानी ये +6 हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कितना है 881 माइनस 3xyz बराबर हो गया 11 × 139, 11 का 139 में गुणा करिए 11 × 99, 11 3 33
और 9 42, 11 कन्नम 11 चार 15, यानी 3xyz बराबर आ गया आपका, माइनस 3xyz कितना आ गया आपका, आ जाएगा 9 में से एक जाएगा 8 और 12 में से 8 जाएगा, ये आ गया आपका 648, यानी हमारे यहाँ से xyz इज इक्वल टू आ गया -216। अब अगर xyz बराबर -216 है तो आपसे क्यूब रूट पूछा गया है, तो क्यूब रूट xyz कितना हो जाएगा, आप कहेंगे -6, आंसर आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं, ये मेंस में भी पूछा गया और ऐसे प्रश्न आपके हर एग्जाम में दिखे होंगे, चाहे CPO हो, CHSL हो, CGL हो, कुछ भी हो। तो देखिए, कहा गया 2√2x³, ये किसका क्यूब लिखा है, √2x का होल क्यूब लिखा है, ठीक है, और ये -√3y का होल क्यूब लिखा है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा √2x -√3x, यानी a माइनस बी √3y ये हो जाएगा, और इंटू ए स्क्वायर यानी कि 2x² प्लस बी स्क्वायर यानी 3y² और प्लस ए बी यानी कि प्लस √6xy, और ये बराबर आपको दिया गया है √2x -√3y ब्रेकेट में ax² प्लस by² प्लस cxy, डन। अब देखिए, अब आपको दिया गया है ये कट गया आपका, यानी कि x² का गुणांक a है तो a बराबर 2 हो गया, y² का गुणांक b है तो b बराबर 3 हो गया, और c बराबर कितना हो गया, √6। तो आपसे निकालने को क्या कहा गया, a² प्लस b² यानी कि 4 प्लस 9 और -c² यानी कि 6, 4 × 9 = 13 में से 6 जाएगा 7। कहा गया एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं, यानी 60% गर्ल्स हैं और 40% बॉयज़ हैं। कहा गया लड़कों की तुलना में 30 अधिक लड़कियां हैं, यानी कि 60% और 40% यानी 20% बराबर दिया गया 30, यानी टोटल विद्यार्थी हो गए 150। अब कहा गया 30 लड़कों सहित 68% छात्र पास हो जाते हैं, यानी कि आपके 30 लड़कों सहित, यानी लड़के कितने पास होते हैं, यानी आपके 60 लड़के हैं और 90 लड़कियां हैं। आपसे कहा गया कि 30 लड़कों सहित 30 लड़के पास होते हैं और 68% छात्र पास होते हैं, तो आपको पता है कि 68% अगर छात्र पास होते हैं यानी कि 102 छात्र पास होते हैं, यानी कि 30 तो लड़के पास हुए और टोटल 102 पास हुए, यानी लड़कियाँ कितनी पास हुई, 72, तो कितने परसेंट लड़कियाँ पास हुई, 80%, और फेल कितनी परसेंट हुई, 20%, यही पूछा गया था, समझ आ गया, ये मैंने कल भी करवाया। कहा गया है एक बेलन और शंकु के आधार त्रिज्या का अनुपात r1/r2, ये दिया गया √3/√2, और कहा गया उनकी ऊंचाई h1/h2 दिया गया है √2/√3। तो आपसे पूछा गया ये किसके लिए, r1 जहाँ पे सिलेंडर के लिए है और ये आपका बेलन के मतलब शंकु के लिए। आपसे कहा गया उनके आयतनों का अनुपात, तो आपको पता है उनके आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन π r1² h1/, इसका आयतन 1/3 π r2² h2, क्या क्या कट जाएगा, पाई पाई, तो 3 ऊपर चला जाएगा, r1² / r2² यानी 3/2 गुड़े h1/h2 यानी √2/√3, ये इससे कट के रूट दे देगा, इससे कट के √3 दे देगा, यानी आपका आंसर हो गया 3√3:√2, तो आपका करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो गया। कहा गया किसी शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल और इसके आयतन का संख्यात्मक मान बराबर है, शंकु का यानी कोण का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, πr(l), यहाँ पे l क्या होता है, अंडर रूट में r² + h² लिख दीजिए, ये बराबर दिया गया है। कहा गया इसके आयतन का संख्यात्मक मान और इसका जो लेटरल सरफेस एरिया बराबर है, यानी कि ये इसके आयतन के बराबर है, संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। अब स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9r² × r² + h² बराबर हो गया, ये r⁴h² r² से ये कट के r² h² हो गया। तो आपसे 1/h² + 1/r² की वैल्यू पूछी गई है, तो देखिए अगर आपको दिया गया है 9 × r² + h² बराबर r² h² तो r² h² को इधर ले आएंगे तो ये बचेगा 1/r² + 1/h² भाग कर देंगे तो ये बराबर बचेगा 1/9, समझ में आ गया, तो आपका आंसर हो गया 1/9। हमने क्या किया, r² h² से दोनों पक्षों में भाग कर दिया। कहा गया कि एक त्रिभुज ABC में ए समकोण है, ए समकोण बना ले रहे हैं, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, एक मिनट, ये ऐसे थोड़ी बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ए समकोण है। कहा गया AC और BC की लंबाई यानी कि ये 10 दिया गया, ये 6 है तो ये 8 हो जाएगा, अगर ये समकोण है तो। कहा गया कि बिंदु DAB पे इस प्रकार है, D जो है वो AB पे इस प्रकार है कि BD बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी D ये है, 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, तो आपको CD की लंबाई निकालनी है। तो ये ख़त्म प्रश्न है, अगर ये 6 है, ये 4 है, तो ये समकोण त्रिभुज आपको पता है, तो यहाँ से CD बराबर हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 6² + 4² यानी 36 + 16 यानी अंडर रूट में 52 यानी कि 2√13 आपका आंसर हो जाएगा, समझ आ गया, ये CPO में पूछा गया प्रश्न है।
कहा गया ये शॉपकीपर अलाउज 28% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। यानी कि 100 अगर मार्केट प्राइस होता तो वो बेचता कितने में है, इससे 28% की छूट देखिए, यानी 72 रुपये में बेचता है। अगर 100 अंकित मूल्य होता तो 72 रुपये में बेचता है। और कहा गया फिर भी वो 20% का लाभ कमाता है, यानी कि CP अगर 5 होता तो फिर भी वो 6 बना लेता है। ठीक है, अब ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, ये 20 हो गया, ये 12 हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, यानी कि MP गुड़े 3/5 बराबर आ गया CP, यानी मार्केट प्राइस गुड़े 3/5 बराबर हो गया कॉस्ट प्राइस। अब कहा गया अगर बिक्री, यदि वह एक वस्तु की बिक्री पे 30 रुपये 80 पैसे कमाता है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। देखिए कितना मूर्ख बना दिया गया। देखिए अगर वो 20% का लाभ कमाता है और 20% बराबर दिया गया 30 रुपये 80 पैसे, क्योंकि लाभ जो है वो 20% दिया गया और कहा गया कि लाभ रुपये में 30 रुपये 80 पैसे, तो 1/5 20% बोले तो CP का 1/5 बराबर दिया गया है आपको 30.80, तो आप कहेंगे CP बराबर कितना हो जाएगा, 30.80 × 5 = 154। ठीक है, तो आपको बस इतना प्रश्न में काम था, बाकी किसी डेटा का कोई काम नहीं था। चलो ये भी कर लेते हैं। कहा गया द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन cos पावर 6 थीटा प्लस साइन पावर 6 थीटा माइनस 1 इंटू 10² θ प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी। थीटा बराबर 45 पुट कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, वो cos पावर 6 थीटा यानी कि cos 45^6, यानी कि ये हो जाएगा 1/8 धन 1/8 माइनस 1 और ब्रेकेट में 1 + 1 + 2 यानी कि 4, तो हो गया 1/8 + 1/8 यानी कि 1/4 माइनस 1 इंटू 4 यानी कि हो गया -3/4 × 4, तो ये कट गया तो -3 आपका आंसर आ गया। दूसरे प्रश्न पे आते हैं, कहा गया साइन थीटा इज इक्वल टू √3 cos θ, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया √3, यानी थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। अब थीटा 60 हो गया तो आपसे पूछा गया 2 sin²θ यानी 2 × sin²60 यानी कि 3/4 धन sec²θ यानी sec²60 यानी कि 4 और प्लस साइन थीटा यानी कि √3/2 sec θ की वैल्यू कितनी होती है, sec 60 की वैल्यू 2 प्लस cosec θ बोले तो 2/√3, इसी को सॉल्व करना है। तो आप कहेंगे जी 2 कट गया और यहाँ पे 3/2 हो गया, यानी 3/2 धन 4 धन √3 और प्लस 2/√3। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए तो ये हो गया 4 × 8 = 3 = 11/2 प्लस ये 3 × 5/√3 यानी कि ये हो गया 11√3 प्लस 10/2√3, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 11√3 में 3 से गुणा 33 और प्लस 10 में √3 से गुणा 10√3/6, तो आपका 33 + 10√3/6 सही हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं, ये भी प्रश्न देख लीजिए। कहा गया 1 + sin θ / 1 − sin φ = p² / q², तो sec φ की वैल्यू निकालनी है। ध्यान दीजिएगा, अगर हमें ऐसा कुछ दिया रहे a + b / a - b और हमें a और b का अनुपात निकालना रहे तो हम कौन सा रूल लगाते हैं, CD यानी कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। तो आप यहाँ पे दोनों पक्षों में लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 1 sin θ - 1 sin θ, यानी हम अंश में से हर को घटा रहे हैं तो इधर भी घटा देंगे p² - q² बटे में दोनों को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 2 बटे में दोनों को जोड़ दीजिए p² + q², यानी 2 sin θ / 2 यानी sin θ बराबर आपका हो गया p² - q² / p² + q², तो आपको निकालना है sec φ। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका sin φ दिया गया है, यानी ये अगर φ है और sin दिया गया है p² - q² / p² + q², तो ये कितना हो जाता है 2pq। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया sec φ होता है √+q² / 2pq, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी आप हाफ कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा p² + q² / pq, भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा ½ q/p + p/q। डन, अगले प्रश्न, कहा क्या गया है किसी त्रिभुज में ABC में b = 30 अंश c = 45 अंश यदि BC = 50 अंश है तो AB की लंबाई निकालनी है। देखिएगा ड्रा कर दे रहे हैं, जो कि आपका A ऐसे बनेगा, ये बनेगा, ये आपका हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। ठीक है, तीनों की वैल्यू आपको पता है, ये B है 30 अंश, ये C है 30 अंश, सही से लिख दीजिए, C है 45 अंश यानी ये 45 अंश है और आपका BC की लंबाई दी गई है 50, BC की लंबाई दी गई है 50 यानी ये 105 है। तो आपको निकालना किसकी वैल्यू है, AB की, यानी AB की X निकालना है। ठीक है, अब आपको साइन रूल लगा देना है। आपको पता है भुजाओं के सामने का कोण यानी sin 45/x बराबर हो जाएगा sin 105/50।
अब आप वैल्यू रख दीजिए साइन 45 की, यानी 1/√2x इज इक्वल टू हो गया साइन 105, साइन 60 कॉस 45 यानी कि √3/2 √2 प्लस साइन 60 कॉस 45 पर कॉस 60 यानी 1/2 इंटू साइन 45 1/√2/50 यानी कि ये हो गया आपका 1/√2x इज इक्वल टू √3 प्लस 1/50 इंटू 2√2। तो यहाँ से आपका 2√2 कट गया यानी x बराबर हो गया 100/√3+1। अब √3-1 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो √3-1 से अगर ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100√3-1/2। तो ये 2 से कट जाएगा यानी आपका आंसर आ जाएगा 50√3-1। डन। अगले प्रश्न, अगर आपको दो कोण या एक भुजा दी गई हो तो आप आसानी से निकाल पाएंगे क्योंकि साइन रूल आपको पता है, साइन अपान ए इज इक्वल टू साइन बी अपान बी इज इक्वल टू साइन सी अपान सी होता है। ठीक है, सीजीएल प्री का प्रश्न है, कहा कि इन ए क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट्स 45% आर गर्ल्स, यानी 120 अगर टोटल हैं तो कितने परसेंट गर्ल हैं, 45% यानी कि 54 लोग लड़कियां हैं एंड द रिमेनिंग आर बॉयज, यानी कि कितने लड़के हैं, हम कहेंगे जी 66 लड़के हैं। ठीक है, कहा गया इफ द एवरेज ऑफ द गर्ल्स मार्क्स इज 54 यानी इनका गर्ल्स मार्क्स 54 है और बॉयज के मार्क्स का 46 है। ठीक है, तो आपसे कहा गया व्हाट इज द एवरेज ऑफ होल कॉलेज, यानी कि होल क्लास का एवरेज मार्क क्या है, 54 का 54 है यानी सम हो गया 54 × 54, 66 का 46 है यानी सम हो गया 66 × 46 और बटे कुल स्टूडेंट है 120, यही आपका हो जाएगा 620 हो गया, 611 हो गया, 69 हो गया, यानी 54 × 9 धन 11 × 46/20 54 तो 9 × 5 = 45 450 और 36 486 और प्लस 11 × 46 यानी 506 हो गया और बटे 20 यानी कि 486 और 506 यानी कि 992/20 तो हो गया 99.2 यानी कि 49.6 आपका हो जाएगा 49.6 99.2/2 यानी 49.6। समझ आ गया, कहा गया कि द एलसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 21 एंड दियर एलसीएम इज 221 टाइम्स ऑफ द एलसीएफ, यानी कि एलसीएफ दिया गया है आपको 21 है तो एलसीएम कितना है 221 गुना किसका, 21 का। अब कहा गया यदि दोनों संख्याओं में से एक 200 और 300 के बीच है तो दूसरी दोनों संख्याओं का दूसरी संख्या के अंकों का योग क्या है, कहा गया दो संख्याओं का एलसीएफ 21 है यानी पहली संख्या 21 एक्स होगी तो दूसरी संख्या 21 वाई होगी। अब आपसे कहा गया कि एक संख्या जो है वो क्या है, एक संख्या 200 और 300 के बीच में है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग, आपको पता है एलसीएम इंटू एलसीएफ बराबर हो जाता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी 221 गुणे 21 और गुणे 21 इज इक्वल टू हो गया 21 × 21 × xy। ठीक है, 21 से 21 कट गया, 21 से 21 कट गया यानी xy बराबर हो गया 221 यानी कि xy बराबर हो गया 221। ठीक है, अब अगर xy बराबर 221 हो गया तो आप x और y की वैल्यू निकाल लिए, तो यहाँ से ये 221 हमारा किससे कट रहा है, आप कहेंगे जी ये कट रहा है 7 से कट रहा है, 11 से, 13 से, 13 से कट रहा है यानी x बराबर अगर 13 हो गया तो y बराबर हो जाएगा 17। ठीक है, x बराबर 13 हो गया तो y बराबर 17 हो जाएगा। अब आपसे कहा गया कि अगर एक संख्या यानी दोनों पहले संख्याएं निकालिए, तो पहली संख्या हमने मानी थी 21x, दूसरी संख्या मानी थी 21y यानी पहली संख्या हो गई 21 × 13 यानी कि 13 × 9 = 13, 13 × 26 = 27, एक संख्या हो गई 273, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 21 × 17 यानी 17 × 9 = 17, 17 × 9 = 34 = 35, तो दूसरी संख्या हो गई 357। आ गया एक संख्या 200 और 300 के बीच में है यानी एक संख्या 273 हो गई तो दूसरी संख्या के अंकों का योग यानी 357 के अंकों का योग पूछा गया 7, 5, 12, 3, 15, तो आपका आंसर 15 हो गया। देखिए DI के जो हम क्वेश्चंस ले रहे हैं ये सारे 18 मेंस के हैं, तो ध्यान से देखेंगे। कहा गया गिवन पाई चार्ट शोज द क्वांटिटी वाइज सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 प्रोडक्ट्स ABCDE ऑफ ए कंपनी इन 2016 यानी 2016 में 5 टाइप के प्रोडक्ट कोई कंपनी बेचती है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया है। ठीक है, कहा गया अब प्रश्न पे आते हैं, कहा गया इन 2016 इफ टोटल नंबर ऑफ 14,616 यूनिट्स वर सोल्ड, यानी आपको 360 अंश बराबर दिया गया 14,616, तो आपसे पूछा गया है कि डी प्रकार के कितने प्रोडक्ट बेचे गए, डी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है 100 अंश, तो अगर 360 अंश बराबर 14,616 है तो 100 अंश बराबर कितना हो जाएगा 100/360 × 14,616। ठीक है, तो काट देंगे, ये कट गया इससे, 2 × 5 = 10, 2 = 18 हो गया, 18 से काटेंगे 18 × 8 = 144, 18 × 9 = 18 × 2 = 36 यानी 5 × 8 = 12 यानी कि 40/60 प्रोडक्ट टोटल बेचे गए
किस टाइप के? डी टाइप के। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया इफ 320 प्रोडक्ट्स ऑफ ए वर सोल्ड बाय द कंपनी, यानी ए टाइप के परसेंटेज मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कितना है 50 अंश, और 50 अंश बराबर दिया गया आपको 320, यानी कि एक अंश बराबर हो गया 6.4, यानी 360 अंश बराबर हो गया आपका, 360 अंश हमें निकालना ही नहीं है। ठीक है, एक अंश बराबर 6.4 हो गया। अब कहा गया देन हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ बी एंड ई टुगेदर वर सोल्ड, बी 35 अंश और ई 55 अंश, यानी 90 अंश दोनों मिलके बेचे गए, तो 90 अंश बराबर कितना हो जाएगा? अगर एक अंश बराबर 6.4 है तो 90 अंश बराबर हो जाएगा 9 × 36, 9 × 54 यानी 540 और 36 576। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया इफ 1500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट डी वर सोल्ड इन 2016 एंड द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड बाय द कंपनी इन 2017 वाज 18% मोर देन सोल्ड इन 16, देन द टोटल यूनिट्स सोल्ड बाय द कंपनी इन 2017। कहा गया कि डी का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है 100 अंश, 100 अंश आपको दिया गया 1500, यानी एक अंश बराबर हो गया कितना, एक अंश बराबर कितना हो गया 15, और 360 अंश यहाँ से कितना हो जाएगा 5400, यानी 5400 प्रोडक्ट 2016 में कुल बेचे गए। कहा गया कि 2017 में जो सेल है वो 18% बढ़ जाता है, यानी 5400 का 118% हो जाता है, यानी 5400 × 118/100 हो जाता है। तो आपसे पूछा गया कि 2017 में प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, तो 2017 में आपको पता है 5400 से 18% ज़्यादा, यानी ये 50 हो गया, ये 59 हो गया, दो ये 25 हो गया, या ऐसे काटिए 25, 50 एक 50, 50 दूना 100, यानी 54 × 59 × 2, आपको पता है 4 × 8 = 972 यूनिट डिजिट दो तो आपका 6372 आंसर हो गया। समझ में आ गया, 54 × 2 × 59 अगर करना है तो 4 यूनिट डिजिट आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो 4 × 8 = 972 यूनिट डिजिट दो तो आपका 6372 आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आती है पसंद तो दोस्तों के साथ कर दीजिएगा शेयर, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल कमिंग एग्जाम्स, बने मतरम।